वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो गाइस वर्डप्रेस ट्यूटोरियल की सीरीज तो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, तो हमने सोचा है साथ में क्यों ना एसईओ कोर्स भी स्टार्ट कर दे, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग दो लोग काम करते हैं, एक रामजीत है और एक मैं हूँ। तो रामजीत ने कहा है कि वो वर्डप्रेस ट्यूटोरियल की सीरीज कंप्लीट कर देगा, तो गाइस मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं एसईओ स्टार्ट कर दूं ताकि आपको डेली वीडियो मिलती रहे। तो एक दिन हम लोग वर्डप्रेस ट्यूटोरियल की सीरीज का वीडियो अपलोड कर देंगे और सेकेंड डे हम लोग एसईओ कोर्स का वीडियो अपलोड कर देंगे। तो अगर आप न्यू हो, वर्डप्रेस को सीखना चाहते हो, एसईओ को समझना चाहते हो या ब्लॉगिंग करियर किस तरह से आप बना सकते हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। तो नीचे जाके सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि किसी भी कोर्स का या ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो इस चैनल पर तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। गाइस तो मेरा नाम है शाहरुख शेख, आप देख रहे हो ट्रेंड्स ज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जो हमने एसईओ कोर्स स्टार्ट किया है उसका ये फर्स्ट वीडियो शूट होने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग एसईओ की हिस्ट्री और एसईओ क्या होता है इसी चीज पे हम लोग आज फोकस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री देख लेते हैं गाइस। तो 1991 में फर्स्ट वेबसाइट लॉन्च की गई, उसके बाद बहुत सारी ऐसी वेबसाइट आई और इन वेबसाइट के साथ साथ ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ी और यही पे पिक्चर में आया याहू सर्च। बट याहू सर्च के सर्च इंजन में इतना दम नहीं था, वो इतना अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाता था, वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो कीवर्ड से उसी पर वो फोकस करता था। तो गाइस 1996 में लैरी पेज और संजन ब्रिन इन्होंने मिलकर एक सर्च इंजन को लॉन्च किया जिसका नाम था बैंकरप्ट, जिसे आप आज के टाइम में गूगल कहते हो। जी हाँ गाइस, आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि गूगल का फर्स्ट नेम बैंकरप्ट था। आगे जाने के बाद जब वो रजिस्टर हुआ तो उसे गूगल कह दिया गया। गूगल ने उस टाइम पे ये समझा कि भाई इतनी सारी वेबसाइट्स आ रही है तो इनको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, एकदम मजबूत वाले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। ठीक है, तो आज के टाइम में जितना आपका सर्च इंजन कॉम्प्लिकेटेड है उस टाइम में इतना नहीं था। गूगल के आने के बाद ये बहुत ही धीरे धीरे मजबूत होते गया। तो यहाँ पर जो याहू का सर्च इंजन था वो सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करता था, और वहीं पे जब 1996 में गूगल आया तो गूगल ने कंटेंट के साथ साथ कीवर्ड्स पे भी फोकस किया, क्वालिटी पे ध्यान रखा और सारी चीजें अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वो चेंजेस करते गया। आज का ये दिन है कि गाइस दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन ये आपको गूगल सर्च ही मिलेगा। तो ये थी हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हिस्ट्री की इस तरह से सर्च इंजन स्टार्ट हुआ। एसईओ को समझ लेते कि एसईओ है क्या। तो एसईओ ये बेसिकली एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो या कोई ब्लॉगिंग बनाते हो, ठीक है, तो सिर्फ बनाना ही काम नहीं होता गाइज, उस पर बहुत सी मेहनत लगती है, सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी आपको आपकी वेबसाइट को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करना होता है, कीवर्ड्स का यूज करना होता है, कुछ सेटिंग्स का यूज करना होता है, वेबसाइट को एनालाइज करना पड़ता है कि किस तरह से आप ऑर्गेनिक और फ्री ट्रैफिक अपने वेबसाइट पर लेके आओगे, क्योंकि गाइस जहां पर ज्यादा भीड़ होती है वहीं पे ज्यादा पैसा होता है। इस तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक और फ्री ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे ला सकते हो गाइस। तो एसईओ ये बेसिकली ये चीज होती है, अगर आपका कोई कंटेंट है, कोई आर्टिकल आपने लिखा है, कोई वेबसाइट है, तो उसे अगर आप गूगल सर्च में रैंक कराना चाहते हो, टॉप पर लाना चाहते हो, तो आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत जरूरी है। इसमें आपको आपके कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, कितने वर्ड्स का आपने पैराग्राफ्स लिखा है उस पे ध्यान देना है, इमेजेस पे आपको ध्यान देना है, सारी चीजें इसके अंदर बहुत सारी चीजें है, बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इस पे वीडियो बनाने बैठू तो बहुत सारे वीडियोस बन जाएंगे। तो ये जो कोर्स स्टार्ट किया है इसमें हम लोग पार्ट बाय पार्ट समझने की कोशिश करेंगे एसईओ को एकदम सिंपल वे में, कॉम्प्लिकेटेड हम लोग ज्यादा नहीं करने वाले हैं। तो गाइस एसईओ ये यही है कि आपको जो भी आपकी वेबसाइट है या आपका ब्लॉग है, आपको सर्च इंजन में फ्री ट्रैफिक लेना है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेना है, या आपकी वेबसाइट को आपके आर्टिकल को टॉप रैंक पे लाना है सर्च में, उसी लिए आपको एसईओ करने की जरूरत है। हमने हिस्ट्री और एसईओ क्या है ये सारी चीजें देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एसईओ के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।